वो बम यहाँ बाउंस होके टकराया वहां। आप कहो तो एक कुंडी खोल दूं मैं। और यहाँ लड़कियां खड़ी की जाती थी, दासियां, अलग अलग कपड़ों में। जैसे ये है रास्ता उस कुएं के जाने का। इसकी कार्य प्रणाली का रहस्य आज भी हमें मालूम नहीं है कि किस। ये देखो आपको ना चमक चमकता ही पत्थर। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं अनबॉक्सिंग करने आया हूँ आगरा के लाल किले की। तो दिखाता हूँ यहाँ से, बताता हूँ आपको यहाँ से जुड़े हुए इस जगह के फैक्ट और रहस्य। ये है लाल किले का एंट्रेंस। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन, ये पत्थरों से की गई कारीगरी, ये उसी ज़माने की है और आज तक एकदम सही ही सलामत है। चलिए चलते अंदर। ये है अंदर जाने का रास्ता। और अगर आप पत्थर को देखोगे तो ये इसलिए काटे गए थे, मतलब अगर आप ये देखोगे तो कटे हुए हैं ना, कि घोड़े हाथी इनका ग्रिप बने आने जाने के लिए, तो इसलिए। और ये जो आप देख रहे हो काले निशान पड़े हुए, ये थे कि कभी जैसे दुश्मन हमला कर दे तो ऊपर तो जो सैनिक खड़े रहते थे वो भाला फेंक के मार सके, तीर भी चला सके। और फिर भी अगर काम नहीं बनता, इनमें से गरम तेल जो आप देख रहे हो ना, इनमें से गरम तेल, पानी, जलती हुई सामान चीज़ें फेंकते थे जो बह के यहाँ आता था और लोग जल जाते थे। ये देखिए, ये वो गरम तेल वगैरह फेंक देते थे जो बहता हुआ नीचे जाता था लोगों के पास। यहाँ से यही आपको आगे और आगे लाइन से दिखेंगे। आप जैसे ही किले के अंदर घुसोगे और राइट हैंड साइड पर मुड़ोगे और ये जो एरिया पूरा आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं अकबरी महल। ये वाला किले के अंदर ये वाला स्पेसिफिक पार्ट अकबर ने बनवाया था। और हुआ क्या, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, मतलब जो बेसिक नीड होती है, जैसे कुआ हो गया, आंगन हो गया। तो आप ये जो बड़ा एरिया देख रहे हो ये आंगन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुआ दिखाऊंगा और आपको साथ ही साथ एक चीज़ दिखाऊंगा कि जैसे हम सबको पता है कि अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत लूटपाट की थी, तो पहले अकबर ने इससे अपना महल बनाया किले के अंदर, ठीक है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने उस जगह पर तोड़फाड़ की और इस जगह को जेल में कन्वर्ट किया। मैं उस जगह भी ले जाऊंगा आप लोगों को वीडियो में। आइए चलते हैं। ये देखिए भाई, पुराने समय का कुआ है ये। और आपने इसमें फ्लोर सिस्टम दिखाया, 5 फ्लोर का ये कुआ है। उस ज़माने में सोचो अकबर ने जब इसे बनवाया था तो क्या टेक्नोलॉजी थी कि 6 फ्लोर का उन्होंने कुआ बनवा दिया था। जो मैंने कुआ दिखाया था उसके जाने का रास्ता ही देखिए, ये देखिए, ये है रास्ता उस कुएं के जाने का। बेहद बदबू बड़ी अच्छी। ये देखिए हम कुएं के अंदर आ गए हैं, मतलब देखेंगे तो 1st फ्लोर पे। ये देखिए अकबर का पर्सनल महल लाल किले में। ये देखिए और यहाँ से दिखता है ताजमहल एकदम साफ। और क्या ठंडी शानदार हवा आ रही है। ये देखिए ताजमहल दिख रहा होगा आपको बहुत छोटा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अगर आप दिल्ली से हो और आपने मेहरौली का नाम सुना हो और मेहरौली बस टर्मिनल का नाम सुना हो, उसके सामने का आपने टॉम देखा हो जिसे बोलते हैं कुली खा का मकबरा। ये जो आप दीवारें देख रहे हो मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, यही वो दीवारें हैं जहाँ से कुली खा को उन्होंने, अकबर ने हुक्म दिया था कि इन्हें सर के बल फेंका जाए। और वो सर के बल उन्हें फेंका गया और वो नहीं मरे, उन्हें दोबारा उठा के लाया गया और सर के बल इन्हीं दीवार से दोबारा फेंका गया, क्योंकि उन्होंने अकबर के सेना शाही सलाहकार को मार दिया था। इसलिए कुली खा को ये हुक्म दिया गया। और वो उनसे इतने नाराज़ थे कि उन्होंने पूरे किले में कहीं दफन होने की उन्हें जगह भी नहीं दी, तो उनके बेटे ने मेहरौली बस टर्मिनल के पास कुली खा का टॉम बनवाया। तो ये कहानी जो वहाँ से जुड़ती है। अब ये जो आप देख रहे हो जो यहाँ जो अभी भी अवशेष पड़े हुए हैं टूटे फटे से, क्या हुआ, जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पूरी जगह को जेल घर में तब्दील कर दिया था, तो उनके द्वारा की गई ये तोड़फोड़ है। चलिए अब चलते। बेसिकली एक आपको बात बताना चाहो, आगरा का किला इतना बड़ा किला है कि आप इसे 2 दिन में भी नहीं घूम पाओगे। जो आप हम देखते हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आके देखता आगरा के किले को, बेसिकली वो मात्र 25% देखता है, 75% इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है लाल किला। ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया, अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे तो पहले भी बात है कोई कमरे रहे होंगे, और ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है हवा का आना जाना।
लगा रहा है, अंदर घुटन ना हो। अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप से ये समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप डिज़ाइन देखिए, आप कितनी बारीकी नक्काशी की गई है। और अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये वृक्ष काला काला है, तो यहाँ जलाते थे दिए, इनसे काला सोचा आज तक बड़ा हुआ है, ये दिए रखने की जगह है। फिर हम यहाँ चलते हैं आगे, और ये जहाँ हम आ रहे हैं इसे आई थिंक कहते हैं जहांगीर महल। ये जब आप लाल किले में आते हैं तो आपको ये ऐसा बीच में एक कप दिखेगा, आप इसे चाय का कप मत समझिए, ये जहांगीर के मामा ने उसे दिया था जब जहांगीर छोटा था। तो अगर आप देखोगे तो बाहर आने की यहाँ पे तीन अंदर ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे तीसरी कुर्गी, 1 2 3, और सेम अंदर भी है। 5 फुट गहरा है ये बाथिंग टब है जो जहांगीर के मामा ने जहांगीर को दिया था। अब हम जिस महल के अंदर जाएंगे लाल किले में, वो है जहांगीर महल। पहले हमने देखा था अकबर, अब आएगा ये जहांगीर महल। आप जैसे जहांगीर महल के अंदर आओगे तो आपको ये जगह दिखेगी, ठीक है, घुसते के साथ ही, ये मेन गेट है, मेन गेट से घुसते के साथ ही। तो यहाँ पे नगाड़े बगाड़े वाले बैठे रहते थे, ढोल पीटने वाले दोनों तरफ, कि जैसे ही राजा बादशाह आए तो यहाँ पे ढोल पीटे जाएं, पता पड़े अंदर रानी को कि यहाँ पे राजा आ रहे हैं। और काफ़ी सही कंडीशन में, और अगर आपको जैसा आप सुन भी रहोगे वीडियो में, बहुत आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। रीज़न ये यहाँ पे यही है कि यहाँ पे धीरे से भी नगाड़े शहनाई या कुछ बजाया जाए तो इस पूरी जगह में आवाज़ गूंजती है, इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। तो हम जहांगीर महल के अंदर घुसते घुसते इस जगह पे आए, इस जगह को बोला जाता है रंग महल। अब इसे रंग महल क्यों बोला जाता है, मैं इसके रीज़न बताता हूँ। आप ये बीच में जो आप खाली ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे होते थे जैसे नाच गाने मुशायरे महफिलें लगती थी, और यहाँ पे जैसे कि ये छोटे छोटे झरोकों में दासियाँ वगैरह हो गई, तो जैसे ये वाला यहाँ पे बादशाह बैठा है, यहाँ पे रानी बैठी हैं, और छोटे छोटे झरोकों में दासी और जो भी वर्कर होते थे वो बैठते थे। ठंडा रहे महल, उसके लिए आप सिस्टम देखो, ये सारी दीवारें खोखली अंदर से, और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ बोलेगी, और जो ये यहाँ बोल रही है ना, ये देखो, ये सुन रहे हैं, ये यहाँ से बोल रही है, जो ये यहाँ पे जो भी बोल रही होगी जितनी भी आवाज़ में, उन्हें वो वहाँ साफ सुनाई दे रहा होगा। तो ऐसी कुछ अद्भुत कारीगरी है कि आप दीवार देखोगे, मतलब दीवार देखोगे तो ये पूरी खोखली दीवारें हैं, इसके अंदर पानी जाता है ठंडा, बट बोलने का सिस्टम ऐसा कुछ है कि यहाँ भी कोई बंदा कुछ भी आके धीरे से ही बोलेगा तो उस कॉर्नर में उस इंसान को आवाज़ सुनाई देगी। आप उस टाइम की इंजीनियरिंग देखिए, आप ये देखिए दीवार बंद है ना, अब देखना, अभी आप देखिए दीवार बंद है, और ये देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये विंडो यहाँ से ऐसी है, तो ये काम करता था वेंटिलेशन का, तो उसने यहाँ से हैंकी फेंका और वो बाहर आ गया, और बाहर से ऐसा लगता है कि बंद है,